हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से दो ऐसी वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आपको बिहार गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो करेंट अफेयर है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप पीटी या मेंस किसी की भी तैयारी करते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत सारा हेल्प रहेगा। तो आपको बता दूँ कि बिहार सरकार के लिए जो वेबसाइट है वह है govt.bih.nic.in। तो ये है हमारा वेबसाइट, बिहार सरकार का वेबसाइट है। जो भी बिहार सरकार का ऑफिशियल करेंट घटनाएं घटती हो वो यही इसी वेबसाइट के माध्यम से रिलीज किए जाते हैं, जो अखबार में पब्लिश होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है आपको एक साल तक का कंटेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नवंबर 2019 का है, इसके नीचे आपको अक्टूबर 2019, सितंबर 2019, अगस्त 2019, ऐसे करके कंटिन्यूस आपको, अभी नवंबर चल रहा है इसलिए लास्ट में दिसंबर 2018 तक का कंटेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे डेली डेली प्रेस रिलीज है, मतलब यहाँ पे डेली रिलीज होता है। जैसे कि अभी देखिए दिसंबर 2018 खुल गया, क्लिक हो गया था, यहाँ हम लोग अभी क्लिक कर लेंगे अक्टूबर 2019 का। तो ये अक्टूबर 2019 में देखेंगे यहाँ पे कि मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन। इसको जो ये पीआर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ पे मैटर मिल जाएगा। तो इससे इसको पढ़ के आप अपना तैयारी कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि नेट स्लो चल रहा है हमारे पास, थोड़ा परेशानी हो सकती है, जल्दी ही खुल जाएगा। इसके बाद दूसरा वेबसाइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, आप ये स्टेट गवर्नमेंट वाला नोट कर लीजिएगा, govt.bih.nic.in। ये वेबसाइट सर्च कीजिएगा आपको ये खुल जाएगा, डेली प्रेस रिलीज, और ये देखिए खुल गया। तो इसमें है मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि बीपीएससी पीटी में कि जो फागू चौहान है उनको शपथ किसने दिलाया था, तो वो भी यहाँ पे जिस महीने में उन्होंने शपथ लिया उस महीने में खोजेंगे उस डेट को, तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए आप क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली डेली का डेली शाम को एक टाइम बैठना है, जो भी यहाँ पे मैटर लोड होगा उसको पढ़ना है। जैसे कि 7 नवंबर 2019 है, तो यहाँ कोई चीज लोड नहीं हुआ, हमको नहीं पढ़ना है आज। ठीक है, आज खोले देखे, आज कोई नहीं है, जैसे कि आपको अपडेट उससे रह सके। इसके बाद दूसरा वेबसाइट जो हमारा महत्वपूर्ण है वो भारत सरकार का जो भी न्यूज आता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये हमने खोल रखा है, इसका वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, pib.gov.in। यहाँ पे आपको, यहाँ पर भी डेली वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो क्या है कि बिहार सरकार में बहुत सारा मंत्रालय है, तो यहाँ पे आपको मंत्रालय भी चूज कर सकते हैं, किस मंत्रालय के बारे में कंटेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने तो यहाँ पे सभी मंत्रालय सेलेक्ट कर रखा है, हाँ, और यहाँ पे 7 नवंबर है, 7 नवंबर में जो भी यहाँ पे रिलीज होगा आप देखेंगे, इतने सारे रक्षा मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, मानव संसाधन मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु माध्यम, मतलब जो भी आपको पढ़ना होगा, मैंने इस पर क्लिक किया और खुल जाएगा हमारा मैटर। ये रहा खादी भवन दिल्ली की, सॉरी कहीं क्लिक हो गया, हमने ये खुला था अभी, खादी भवन दिल्ली की छमाही बिक्री पिछले सम्मान की अवधि की तुलना में इतना करोड़ रुपए की अधिक रही। ऐसे ऐसे करके सारा चीज आपको बजट से रिलेटेड चाहे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहेगा। तो आप, उम्मीद है कि आपने दोनों वेबसाइट को नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नोट नहीं किया हुआ तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला वेबसाइट था govt.bih.nic.in, दूसरा वेबसाइट था pib.gov.in। तो सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।